राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई, जिसकी वजह है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। राजे और भजनलाल शर्मा की मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भजनलाल को राज्य की अहमियत समझ आ गई। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की एक घंटे की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम ने वसुंधरा राजे के सिविल लाइन्स के घर पर पहली बार उनसे मुलाकात की, हालांकि इस मुलाकात पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। सूत्रों की माने तो इस दौरान बजट सत्र और उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ है। 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिनमें से 4 सीट पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी की है। इन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव हारने वाले ज्यादातर बीजेपी प्रत्याशियों ने वसुंधरा के चुनावी दौरे न होने को बड़ी वजह बताया है, इसलिए अब संगठन ने खुद इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बताते चले कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राजे ने 12 झलावाड़ को छोड़कर किसी भी सीट पर चुनावी दौरा नहीं किया था, जिसको लेकर खूब चर्चाएं भी हुई। कहा जा रहा था कि राजे नाराज है। वहीं सूत्रों का इस मुलाकात पर कहना है कि उपचुनाव में चुनावी दौरों के लिए राजे को राजी किया जा रहा है, इसलिए सीएम ने खुद मुलाकात की है, जबकि अभी तक पार्टी के नेताओं का फोन जाता था। लोकसभा चुनाव में ना बीजेपी अध्यक्ष और ना ही मुख्यमंत्री ने राज्य से मुलाकात की थी। अब नतीजे आने के बाद बीजेपी रणनीति में बदलाव कर रही। इस मुलाकात पर वरिष्ठ पत्रकार हरीश मलिक का कहना है कि इस मुलाकात के सीधे मायने हैं कि राज्य को मुख्यधारा में रखना है। लोकसभा में मिले परिणाम से पार्टी में अब राज्य को लेकर कोशिश शुरू हो रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को मंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए कई सारी चीजें एक साथ हुई है, जिस पर अब पार्टी काम करना शुरू कर चुकी है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी मीडिया। शुक्रिया।